हाय गाइस, तो आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं हम आपको सभी प्रकार के स्पीकर दिखाना चाहता हूँ, डबल वाले, सिंगल वाले नहीं, डबल वाले बुक सभी प्रकार के दिखाऊंगा आपको, किस किस बॉडी में आते हैं और किस किस तरह से आते हैं। तो आप बने रहें वीडियो में एंड तक, आपको मैं दिखाता हूँ कैसे क्या होता है और कौन कौन सी टेप उस पर चलती है, कौन कौन सी आपको लेनी चाहिए वो भी आपको दिखाऊँगा। तो बने रहें वीडियो में एंड तक। तो चलो मिलते हैं अभी। हेलो गाइस, तो देख पा रहे हैं आप सभी प्रकार के स्पीकर पड़े हुए हैं, आपको दिख रहे हैं स्पीकर, 12 स्पीकर पड़े हैं तो आप देख सकते हैं। और टेपे भी पड़ी है इसके ऊपर, आपको दिखाऊंगा टेपे भी कैसे क्या है, क्या क्या वैरायटी है इसमें वो भी आपको दिखाऊंगा। अभी पहले अपन शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो ये हैं 8 इंची के डबल बॉक्स, इनमें दोनों में चलती है टेप चलती है, आपको वो भी आगे दिखाऊंगा। और ये है 10 इंची के डबल बॉक्स, देख पा रहे हैं आप साइज़ में भी डिफरेंट है, दोनों एक जैसी बॉडी के हैं। ये होते हैं 10 इंची के, इनमें हमने हेवी मैग्नेट लगा रखी है 120 वाट, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है ये। आप इसको यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा कि आवाज़ कैसी क्या है। ये होते हैं 8 इंची के, आपको पता ही है। और इनमें आगे बढ़ते हैं, फिर ये आती है अपने जैसे कि पत्ती वाली बॉडी, इसमें किनारे वगैरह सेफ्टी लगी हुई है, देख पा रहे हैं आप जाली लग रही है बढ़िया। और ये 10 इंची में यही वही आ जाता है, ये 8 इंची बॉडी पत्ती वाली और ये 10 इंची में पत्ती वाली बॉडी आ रही है, तो इसमें भी सेफ्टी लग रही है बढ़िया कंपनी की। और ये लोहे की जाली आ गई इसमें भी बढ़िया गोल डिजाइन वाली, ये भी 120 वाट के हैं। इनमें 10 इंची में सब में बड़े ट्यूटर लग रहे हैं और इस पत्ती वाली इनमें फिर बड़े ट्यूटर लग रहे हैं, अंदर आप देख पा रहे हैं 2 ट्यूटर लग रहे हैं, ये देखिए अंदर से दिख रहा होगा। तो अभी मैं आपको और आगे दिखाता हूँ। ये हो गए हैं सनमाइके वाले स्पीकर, तो इनमें सनमाइके लग रही हैं ऊपर बढ़िया फिनिशिंग वाली, पानी वगैरह से कुछ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये इनके कॉर्नर लग रहे हैं स्टील के, चारों तरफ पूरी तरफ लग रहे हैं ऊपर नीचे। ये इनमें भी सेम बॉडी के ये है 10 इंची के, 120 वाट वाले मैग्नेट है इनमें, हेवी मैग्नेट है। लाइटें लग रही है इनमें भी, आप लाइटें चाहो तो लगवा सकते हो, हम लगा सकते हैं, हमने इन पर लाइटों पर काफ़ी वीडियो बना रखी है, जाके चेक कर सकते हैं आप, इनमें भी हम लाइट लगा सकते हैं, आप बोलो जैसी डिफरेंट वगैरह कौन सी भी लाइट लगा सकते हैं। ये देखिए आप, ये 10 इंची है, ये नीचे पड़े हुए 10 इंची, ऊपर पड़े 8 इंची, ऊपर ऊपर जितने भी पड़े 8 इंची, नीचे नीचे 10 इंची वाले हैं, सेम बॉक्स है, फ़र्क इतना है बस ये 8 इंची के हैं, ये 10 इंची के हैं। क्वालिटी अच्छी है दोनों की, आवाज़ वगैरह सब। अभी आपको टेप में दिखाता हूँ, जैसे कि ये वाली मोसफेट पड़ी है, ये वाली मोसफेट है जो 200 वाट की है, तो ये 12 इंची के लिए बेस्ट है, आप इनको बढ़िया आराम से चला सकते हैं 12 इंची के लिए। बहुत सारे जने बोलते हैं 12 इंची के लिए हम ये दूसरी लेते हैं, तो ये लेवे तो और भी काफ़ी अच्छी है, क्वालिटी है, 200 वाट की मोसफेट अभी न्यू बनी है लेटेस्ट, तो आप इनको आराम से चला सकते हो। इनमें 10 इंची पे भी चला सकते हो आप, ये पड़े हैं इनमें, तो ये भी चला सकते हो आप। ये है मोसफेट बड़ी वाली, तो इन पर आप ये वाले 8 इंची वाले ना चलाओ तो बेहतर है वे, क्योंकि 8 इंची पे स्पीकर उड़ाने के चांस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए आप 8 इंची के स्पीकर के ऊपर, ये तीनों जो 8 इंची के स्पीकर दिख रहे हैं ना ऊपर वाले, इनमें आप ये वाली नहीं चलाओ तो अच्छा ही रहे, क्योंकि ये बड़ी वाली होती है, हेवी करंट निकलती है तो काफ़ी स्पीकर उठने के बहुत चांस रहते हैं, बहुत बार केस हुआ है ये, तो इनके लिए बेस्ट है ये जो 10 इंची पड़े हैं हेवी मैग्नेट वाले, इनके लिए सबसे बेस्ट मोसफेट में ये है। ये अभी नहीं चलती है मोसफेट, चलती है बिना आईसी वाली आती है, वायर टच करोगे आप तो भी आईसी वगैरह नहीं उड़ेगी इसकी, क्योंकि मोसफेट आती है बढ़िया क्वालिटी की है। ये लोगे आप, ये मीडियम वाली मोसफेट है, तो इनमें छोटी सी छोटी प्लेट आती है मोसफेट की, ये सबसे बेस्ट रहेगी इन 8 इंची के लिए। आप 8 इंची के लोगे ये, तो मोसफेट में अगर लेना चाहते हो तो ये वाली लेना मोसफेट, अगर इन पे टेप चलाओ तो टेप भी चल सकती है इनमें तीनों में, इनमें टेप लोगे आप तो आवाज़ क्वालिटी नहीं आएगी इतनी, तो मोसफेट चलाओगे आप इनमें 8 इंची में काफ़ी अच्छी आवाज़ आएगी और स्पीकर भी नहीं उड़ेंगे, बढ़िया चलेंगे, क्वालिटी बनी हुई रहेंगी। और ये है 4 IC में टेप, देख पा रहे हैं आप, तो टेप आती है तो टेप आप इनके लिए अच्छे से यूज कर सकते हो 8 इंची के लिए, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, बढ़िया चलेगी थोड़ा सा। और ये होती है 4 IC की मीडियम वाली टेप, जो सस्ती आती है, मतलब बहुत सारे जने इसको ओरिजिनल बोल के लेते हैं, पर हमारे यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है, हम जो ओरिजिनल होगी ओरिजिनल ही बोलेंगे, ये ओरिजिनल है और ये नोकल है, दिखने में दोनों सेम है, कंपनी दोनों सेम है, राज दोनों सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है दिखने में वगैरह में, डिज़ाइन वगैरह सब सेम है इसका, पर ये नोकल वाली है, ये ओरिजिनल वाली है, आप ले हो तो टेप देख सकते हो आप क्या क्वालिटी है इसमें,
ये अपने ओरिजिनल लोगे आप तो 1800 रुपये की पड़ेगी, ये नोकल वाली लोगे तो आप 1300 रुपये की पड़ेगी। रेट का बहुत डिफरेंट है, बहुत सारे जने इसको ओरिजिनल बोल के 1800-1800 रुपये में आराम से सेल करते हैं। हमारे यहाँ पे आओगे तो आपको पता चलेगा कि क्वालिटी ओरिजिनल कौन सी है, नोकल कौन सी है। हम बोल के देते हैं पहले ये नोकल है तो नोकल ही है। तो ठीक है गाइस, ये आराम से चला सकते हो। इन पर आप चलाओगे तो इतनी आवाज़ कुछ खास नहीं आएगी, आएगी तो है लेकिन बस चलेगी है, आराम से चलेगी है, पर तो भी इतनी खास नहीं आवाज़ नहीं आती है जितनी ये आती है, क्योंकि इनमें ओरिजिनल आईसी लगी हुई होती है, इनमें डुप्लीकेट लगी हुई होती है, इनमें कार्ड ओरिजिनल लगा होता है, इनमें नोकल कार्ड लगा होता है, वायर वाला कार्ड चलता है इसमें, इसमें पगारिया वाला कार्ड चलता है, और ये सभी 12 वोल्ट के कार्ड होते हैं, तो इनकी आवाज़ तो बहुत तगड़ी आती है। तो गाइस आप देख पा रहे हो, आपको दिखा दी, और रेट वाइज भी आपको पता करना हो तो रेट वाइज भी आपको डिफरेंट है। ये सस्ते वाले होते हैं, ये पड़ता है 3000 का जोड़ा, और ये पड़ता है अपने 4000 का जोड़ा, ये पड़ता है 4500 रुपये का जोड़ा। फिर इनमें ले लो आप 10 इंची में ये वाली बॉडी लो आप, इनमें पड़ता है 4500 रुपये का ये स्पीकर जोड़ा, दोनों सेट बता रहा हूँ मैं आपको, 4500 रुपये का जोड़ा ये पड़ता है, और ये पड़ता है 5500 का जोड़ा पड़ता है, और ये वाला लो अगर सनमाइका वाला ये 6500 का पड़ता है, तो काफ़ी अच्छी है इनके लिए। ये अगर मशीन पूरा सेट मशीन का समेत सेट पड़ता है आपको 10000 रुपये में, ये पड़ता है आपको 9000 रुपये में। तो आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, आपको वो आपके ऊपर है। फिर इनके ये ले वो स्पीकर तो टेप लगानी है आपको या मॉसफेट लगानी है, वो आपके ऊपर है। फिर आपको और भी क्वालिटी हम आगे और भी दिखाएंगे, बहुत सारे हमारे पास स्पीकर है, क्वालिटी आप देख सकते हो, स्पीकर आपको जो चाहे वो मिल जाएंगे, कारों के स्पीकर, ट्रैक्टर, जेसीबी, डंपर वगैरह, ऑल स्पीकर हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। और भी बहुत सारे स्पीकर हैं, हम आपको बाद में दिखाएंगे क्या क्या क्वालिटी है, अभी हम आपको बस बूंदी वाले स्पीकर दिखा रहे हैं, ओरिजिनल वाले तो इनमें बने रहे हैं। और भी आपको काफ़ी अच्छी अच्छी तरह की वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, ताकि आपको पता चले कि ओरिजिनल कैसी क्या होती है और डुप्लीकेट कैसी क्या होती है। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए फ़िलहाल यही तक। तो गाइस हमने आज आपको 10 इंची और 8 इंची और मॉसफेट वाले के बारे में सबके लिए हमने आपको बहुत ही एक एक चीज़ हमने आपको दिखाई है, तो आपको पता चला होगा कैसे क्या चीज़ है, कैसे क्या आती है। ओरिजिनल लोकल दोनों में भी आपको दिखाया है मैंने, तो आपको पता चली गया होगा कि कैसी क्या चीज़ आती है। तो काफ़ी अच्छी है क्वालिटी, आप विजिट करके हमारे यहाँ से ले सकते हैं, या आप ले कहीं से भी तो चीज़ देख के ले। और रेट वाइज भी आपको दिखा दी है, ओरिजिनल ये रेट पड़ेगी, नोकल इनमें, नोकल में फ़र्क आता है स्पीकर में, नोकल में क्वालिटी नोकल आती है, स्पीकर छोटी मैगनेट आती है, बहुत सारी पर्दे भी हल्के होते हैं, तो दिखने में सेम दिखती है, बॉडी सेम रहती है, अंदर के स्पीकर में फ़र्क रहता है ओनली। तो आप देखे तो क्वालिटी देख के ले, क्योंकि करीबन इनमें 700-800 रुपये का एक स्पीकर पे डिफरेंट रहता है नोकल और ओरिजिनल में। आपको कोई स्पीकर इनसे कम रेट में जो दे रहा है तो पता कर लेना आप, ये उसमें नोकल स्पीकर है और क्वालिटी हल्की वाली है। तो आप लेवे तो ज़रूर देखिए स्पीकर की क्वालिटी वगैरह आराम से, और मैग्नेट भी देखिए आराम से उसकी। तो हम आपके लिए और भी ऐसे बेहतरीन और भी अच्छी अच्छी तरह के क्वालिटी वाले स्पीकर लेके आएंगे, और भी आपको दिखाएंगे कैसे क्या स्पीकर होते हैं। तो ठीक है गाइस, अभी के लिए फ़िलहाल यहीं, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर।